रोजगार के इंतजार में बैठे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। जी हां, दरअसल राजस्व विभाग में सरकार बहाली करने जा रही है। बहाल कर्मियों को विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्ती के काम में लगाया जाएगा। इस बात की जानकारी राजस्व भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता ने विधान परिषद में दी है। उनका कहना है कि इसे 3 महीने के अंदर पूरा कर लिया जाएगा, जिसमें कुल 10,000 पदों पर भर्तियां होगी। इस बात की जानकारी उन्होंने सदन को दी है। बजट में आलोक मेहता ने कहा है कि विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्ती का कार्य ससमय पूरा करने और अंचलों में विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्त का कार्य प्रारंभ करने के लिए 15,000 पद सृजित किए गए हैं। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशफेल रस, ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, एबिसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल, एशफेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। जिसमें 10,101 पदों पर बहाली की प्रक्रिया 3 महीने के अंदर पूरी कर ली जाएगी। 10,000 से अधिक पदों में विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के लिए 355, विशेष सर्वेक्षण कानून के लिए 758, विशेष सर्वेक्षण अमीन के लिए 8,244 और विशेष सर्वेक्षण लिपिक के लिए 744 सीट पर बहाली होगी। इतना ही नहीं, इसे लेकर आलोक मेहता ने साफ कर दिया है कि इसके तहत ऑनलाइन टेस्ट लेकर सीधी बहाली की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि भू अभिलेख का कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है। सदन में मंत्री आलोक मेहता ने दाखिल खारिज से लेकर जनता के हित में कार्य प्रणाली में किए गए सुधार संबंधित बिंदुओं की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट किया। ऑनलाइन सेवाओं के बारे में कहा कि इन सेवाओं का लाभ आम लोगों को और विभाग को भी मिल रहा है। अब तक दाखिल खारिज के 1,89,000 मामले आए हैं। इनमें से 91,00,000 से अधिक का निष्पादन हो गया है। इसकी जांच के लिए डबल सिस्टम विकसित की गई है। तो बता दें आपको कि रोजगार के इंतजार में बैठे युवाओं के लिए वाकई एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल राजस्व विभाग में सरकार बहाली करने जा रही है। इसे लेकर बहाल कर्मियों को विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्ती के काम में लगाया जाएगा। इस बात की जानकारी खुद राजस्व भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने विधान परिषद में दी है। उनका कहना है कि इसे 3 महीने के अंदर पूरा भी कर लिया जाएगा, जिसमें कुल 10,000 पदों पर भर्तियां होगी। इस बात की जानकारी उन्होंने सदन के अंदर दी है। बजट सत्र में आलोक मेहता ने ये बड़ा ऐलान किया है।